हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 1500 क्वेश्चन सीरीज का डे 3। कल संडे था तो कल वीडियो नहीं आ पाई, बट आगे आने वाले जितने भी दिन होंगे एग्जाम से पहले यानी कि नवंबर तक एक भी दिन मिस नहीं हो ऐसी पूरी कोशिश करी जाएगी, चाहे फिर वो संडे हो चाहे फिर कोई भी दिन हो, तो मिस ना हो ऐसी पूरी ट्राई करा जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ये सीरीज जो चल रही है हमारी जनरल अवेयरनेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली DSSSB के सारे ही एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर वो हमारा जूनियर क्लर्क का एग्जाम हो, फी कलेक्टर का एग्जाम हो, PRT हो, लाइब्रेरियन हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जो कि DSSSB द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो है हमारा गुरु नानक देव जी के ऊपर, ऑन बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ऑन हूज बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड। गुरु नानक देव जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जन्म जयंती होती है, उस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, उनका जन्म किस साल हुआ था। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल मामला हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे, एक छोटे सा मतभेद सा होता है कुछ पक्षों में, कि एक कहता है कि अप्रैल के महीने में होता है, एक कहता है कि नहीं नवंबर के महीने में होता है। तो ये छोटी मोटी इसमें बात चलती है, बट गुरु नानक जयंती नवंबर के महीने में जो सिख धर्म का पालन करते हैं उनके द्वारा मनाई जाती है। और 1469 में यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये जन्म? राय भॉय की तलवंडी में, राय भॉय की तलवंडी, जो कि नियर लाहौर, लाहौर के पास है, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान है वहां पे। और वहां पे राय भॉय की तलवंडी में आप लोगों को पता है नानकाना साहिब, नानकाना साहिब, ये वहां पे एक गुरुद्वारा बनाया गया है गुरु नानक देव जी की याद में। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थल है वहां पे नानकाना साहिब, जो विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा वहां पे है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट ये जानने वाली है, गुरु नानक देव जी ने ही सिखिज्म या फिर सिखी जिसे कहते हैं उसकी स्थापना करी थी। फर्स्ट सिख गुरु थे, क्या थे? फर्स्ट सिख गुरु, जो 10 गुरु हैं तो उनमें पहले प्रथम सिख गुरु और फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है अब इंडिया की हिस्ट्री में, एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब चीफ जस्टिस अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दो चार चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं, एक एक चीज पे गौर देना। यहाँ पे क्या बोला गया, पूछा गया, हु इज द ओनली चीफ जस्टिस टू बी अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए आप लोगों को पता है अपनी हायरार्की क्या है, तो यहाँ पे जुडिशियली में टॉप पे कौन रहते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट है सबसे ऊपर, और उनके नीचे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो होता क्या है कि भाई आर्टिकल नंबर ये याद रख लेना भाई, आर्टिकल 52, आर्टिकल नंबर 52 में कहा है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी समय पे, किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में भारत में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली नहीं होनी चाहिए, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई किसमें कहा है? आर्टिकल 52 में। अब यहाँ पे हुआ क्या कि प्रेसिडेंट जब यहाँ पे जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे तो इनकी डेथ हो गई थी, जब एज अ प्रेसिडेंट थे, एज अ प्रेसिडेंट के रूप में डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे VV गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? VV गिरी वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे। इन्होंने प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपना जो पोजीशन है वो संभाला, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये नियुक्त हो गए। तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे और एक्ट कर रहे थे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। अब हुआ क्या कि भाई थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट का पद था तो उससे इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अब वीवी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंट का पद से इस्तीफा दे दिया तो अब उनके पास कोई हक नहीं रहा कि वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकेंगे। तो यहां पे होता क्या है कि
आर्टिकल 52 के तहत कि प्रेसिडेंट होना जरूरी है इंडिया में, तो अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में निभाते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी खाली पोजीशन खाली हो जाती है, जो कि इस केस में हो गया था, वीवी गिरी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई थी, तब किसे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें नियुक्त करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये हुआ कब था, पूरी स्टोरी कब की है, 1969 की, कब की है ये, 1969 की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वीवी गिरी ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि वीवी गिरी इस्तीफा इसीलिए दिया था कि अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद नियुक्ति होनी थी एज अ प्रेसिडेंट की, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट ही बने थे, तो उस दौरान वो इलेक्शन में अपना उम्मीदवारी देने के लिए उनको वाइस प्रेसिडेंट की पद अपनी छोड़नी थी, तो वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने के बाद प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भी वो नहीं निभा सकते थे, तो दोनों पोस्ट खाली हो गई, दोनों पोस्ट खाली हो गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो पोजीशन एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में निभानी पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 से 4 चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाती है। सबसे पहला, अगर प्रेसिडेंट नहीं होता तो कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही नहीं होते तो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, किसकी डेथ के बाद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बना दिया गया था, जाकिर हुसैन, जब यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन समझाने के बाद आप बोलोगे पूरी रामायण गांधी नाम तो बताया नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एम हिदायतुल्ला, तो यहाँ पे वीवी गिरी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, वीवी गिरी तो उस टाइम पे क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एम हिदायतुल्ला ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य इन्होंने नियुक्त किए गए थे, तो इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीपी, एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये सिर्फ मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स के लिए, मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स, लॉन टेनिस जो खेलते हैं, जो पुरुषों के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है। अब महिलाओं के लिए कौन सी है, WTA, विमेन टेनिस एसोसिएशन, विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ATP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ATP का हेडक्वार्टर है हमारा यूनाइटेड किंगडम में, और इसे फाउंड कब करा गया था, 1972 में इसे फाउंड करा गया था, इसकी स्थापना कब गई थी, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि इंग्लैंड में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ट चार मीनार, चार मीनार जो भारत की एक सबसे लगभग लाल किला हो गया, उसके बाद इंडिया गेट हो गया, फिर गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध इमारत जो इंडिया की है और साउथ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इमारत क्या है, चार मीनार, जो कि हैदराबाद में, हैदराबाद में, और इसको, इसका निर्माण किस राजा द्वारा करा गया था वो हमसे पूछा गया है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि फिफ्थ रूलर थे, किसके थे, ये था फिफ्थ रूलर कुली कुतुब डायनेस्टी जो थी, जो कुतुब शाही डायनेस्टी कहा जाता है, कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी के जो 5वें रूलर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने चार मीनार की यहाँ पे जो नींव रखी थी, चार मीनार इनके राज में बना गया था, तो ये हैदराबाद में बना गया था। हुआ क्या था कि गोलकंडा, जो गोलकोंडा है वहां से इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी, नया जो शहर बसाया था हैदराबाद का, गोलकंडा से नया शहर बसाया था हैदराबाद का, और हैदराबाद के बीचों बीच चार मीनार बनाई गई थी। ये एक और यहाँ पे एक बड़ी बात कही जाती है कि उस टाइम पे एक महामारी फैली हुई थी, जिसे कॉलरा की महामारी कहा जाता है, कि उस टाइम पे कॉलरा फैल गया था बहुत ज़्यादा, कहाँ पे, हैदराबाद वाले रीजन में कॉलरा फैल गया था, और जैसे अभी महामारी फैली हुई है यहाँ पे अपनी कोविड की महामारी फैली हुई है, तो उस टाइम पे भी महामारी फैल गई थी कॉलरा की, और वो ख़त्म जब हो गई थी, उस पे जब
लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी, कोलरा खत्म हो गया, तो उसकी याद में यानी कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, हमने कोलरा को हटा दिया है, सब सही हो गया, तो उसके उपलक्ष में हैदराबाद में ये चार मीनार मनाई गई थी, जो कि मॉस्क और एक इमारत है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिजाइन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर नहीं, अंग्रेजों के जमाने का वाइसराय हाउस जिसे आज के टाइम पे भारत में राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जो रायसीना हिल जो दिल्ली में है, रायसीना हिल के ऊपर स्थित है। हुआ क्या था, दो लोग थे यहाँ पे, जो दो लोग कौन थे, एडविन लैंडसे ल्यूटियंस, ये इन्होंने बनाया था, आप लोगों को पता है ल्यूटियंस दिल्ली, नई दिल्ली के कर्ता धर्ता, जो नई दिल्ली का जो निर्माण करा गया था, पहले कलकत्ता थी राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में बोला गया था कि भाई दिल्ली में राजधानी बनाई जाएगी देश की, और उस टाइम पे ओल्ड दिल्ली हुआ करती थी, पुरानी दिल्ली हुआ करती थी, अब पुरानी दिल्ली मतलब दिल्ली होती थी, पुरानी दिल्ली में लोग गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते थे उस तरफ, ज़्यादा उनको बढ़िया बढ़िया जगह नहीं दिखी थी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने बोला दिल्ली तो बना लेंगे, सेंटर पड़ता है अपना यहाँ पे, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाया करेगा, तो यहाँ पे फिर उन्होंने पूरा नई तरीके से डिज़ाइन करा गया, तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक नई दिल्ली बसाई थी। नई दिल्ली बसाने के लिए एडविन ल्यूटियंस को यहाँ पे नियुक्त करा गया था, और इनके साथ हर्बर्ट बेकर। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट सुन लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा और याद भी रहेगी आपको एग्जाम तक कि भाई राष्ट्रपति भवन किसने निर्माण करा था। हुआ क्या था, रायसीना हिल के ऊपर राष्ट्रपति भवन का निर्माण यानी कि वायसराय जो हाउस है उसका निर्माण का जगह फाइनलाइज हो गया। हर्बर्ट बेकर को आगे जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, जो आगे अलग से बिल्डिंग है उसका निर्माण करने के लिए बोला गया कि उसका डिज़ाइन इन्हें करना है, तो ल्यूटियंस ने बोला कि भाई जो वायसराय जो हाउस है, राष्ट्रपति भवन जो आज के टाइम पे है, उसको रायसीना हिल की ना बिल्कुल टॉप पे बसाएंगे ताकि पूरा आगे का सब कुछ दिखे। अभी भी आप अगर आप वहाँ पे जाओगे इंडिया गेट से रोज राजपथ की तरफ जाओगे तो वेस्ट साइड में जो पड़ता है, वेस्ट एंड पड़ता है राष्ट्रपति भवन, तो देखोगे थोड़ा सा ऊपर जाके तो वो जो हिल था वो था रायसीना हिल, तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला ठीक है रायसीना हिल के ऊपर बिल्कुल टॉप पे वाइसराय हाउस होगा और जो आगे की जो बिल्डिंग्स हैं और जो हमारी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स हैं वो नीचे बनाई जाएंगी। बट हुआ क्या कि भाई हर्बर्ट बेकर ने स्टार्टिंग में बोला चलो चलो ठीक है, फिर हर्बर्ट बेकर ने बोला कि नहीं, जो ये जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है ना ये भी ऊपर ही बनेगी, रायसीना हिल के ऊपर बनेगी और जो वाइसराय हाउस है वो थोड़ा पीछे खिसका दिया जाएगा। उसके बाद इनकी आपस में थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो एक छोटी सी कहानी है एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर की। उम्मीद है कि इस कहानी के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण का डिज़ाइन किसने करा, दिल्ली में ल्यूटियंस दिल्ली जिसे कहा जाता है वो किसके ऊपर है, एडविन लैंडसे ल्यूटियंस के ऊपर है, नई दिल्ली का निर्माण किसने डिज़ाइन वगैरह किसने करा, ल्यूटियंस ने करा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट एक अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़े बहुत जो टॉपिक जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको अभी तक समझ में आए होंगे, थोड़े से नहीं पढ़े होते तो उसमें दिक्कत होता है, और आपने देखा होगा कि हर टाइम पे इकोनॉमिक के क्वेश्चन में आप लोगों के साथ ला रहा हूँ, तो कुछ जो इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं जैसे मनी मार्केट हो गया हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है उसी की तरह होता है, पर ये दूसरे वे में उसी की तरह होने वाला दूसरी चीज़ है, तो ये मनी मार्केट का हिस्सा होते हैं, डिबेंचर ऋण पत्र ये नहीं होता हिस्सा। तो मनी मार्केट हो गया, या फिर कुछ एकाध जो ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है उससे स्पेशली इकोनॉमिक्स की एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजीज है वो कवर करेंगे। तो आज के टाइम पे अभी इतना ही जान लीजिए कि कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर ऋण पत्र नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज वैलेंसी ऑफ टू। वैलेंसी क्या होती है, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है, आप लोगों को पता है कि अगर एक एलिमेंट ले लिया जाए तो उसका एक एटम उठाया जाए तो उस एटम में सबसे अंदर तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन का साइन कुछ नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चारों तरफ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद मान लीजिए ये आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट
जो होता है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो वैलेंस रूल है उसके तहत आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हर किसी में 8 हो, 8 हो जाते तो वो न्यूट्रल कम हो जाता है, जो रिएक्ट नहीं करता है वो हमारा जो नोबल गैसेस होते हैं उसके में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, वैसे लगभग सभी एलिमेंट्स में कमी होती है। अब वैलेंसी क्या होती है, तो आखिरी ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, बट जितने मान लो इसके 2 हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये 2 हैं, तो ये 2 क्या हैं आखिरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या हो जाए, अब उसे 8 पूरे करने हैं, 8 पूरे करने के लिए उसे क्या करना होगा, यहाँ पे 6 लेना होगा। अब 6 लेने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इससे अच्छा क्या करता है ये 2 है ना इसको निकाल देता है, छोटा छोटा आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिरी में जो इससे पहले वाली जो बचेगी, इससे पहले वाली आउटर मोस्ट हो जाएगी और वो आउटर मोस्ट अपने रूल के हिसाब से कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड होगी तभी तो उसके बाद ये बचे हुए 2 अगले में गए थे, अगर उससे पहले 2 की जगह उससे पहले वाली में होती तो उसी में आ जाते, तो ये 2 एक्स्ट्रा थे तो ये रिजेक्ट कर देता है। 4 तक होता है तो वो 4 तक यही रहता है कि भाई 4 ले सकता है दे सकता है, 4 से ऊपर जब जाते हैं तो वो सिर्फ लेता है, 4 से नीचे जाता है तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता रहता है। तो ये कितने ले सकता है, कितने डिक्रीज कर सकता है, एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन और रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। तो छोटी सी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी जिसको अभी तक नहीं पता था। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में, यहां पे दोनों में लिख देता हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इसकी वैलेंसी कितनी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो वैलेंसी भी यहां पे 4 रहेगी। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है 5 है, तो वैलेंसी कितनी है। अब ये 5 दे नहीं सकता, 5 देगा तो बहुत ज्यादा इसको कि क्या किसकी जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो क्या ले सकता है, ये 3 ले सकता है 8 बनाने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाती है 3। कार्बन का भी सेम है, सिलिकॉन वाला हिस्सा 4 होते हैं, 4 ही इसकी वैलेंसी होती है। बेरिलियम का क्या होता है कि आउटर मोस्ट में इसके 2 होते हैं, क्या होते हैं, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। तो अब ये दे के अपने 2 जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो दे के अपनी पूरी कर सकता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पूरी कर सकता है, तो यहाँ पे ये वैलेंसी कितनी हो जाती है इसकी 2 हो जाती है, तो बेरिलियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज ऑथर ऑफ बुक चंद्रकांता। चंद्रकांता अगर आप लोग थोड़े से पता हो कि जिन लोगों ने टीवी सीरियल के बारे में जानते हो, चंद्रकांता एक बहुत फेमस टीवी सीरियल था जिसको पहले नॉवल के रूप में लिखा गया था, जिसका नॉवल लिखा था देवकीनंदन खत्री ने। फर्स्ट मॉडर्न हिंदी नॉवल चंद्रकांता क्या था, फर्स्ट मॉडर्न हिंदी नॉवल। और जो ग्रैंड लेवल पे उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे एक सीरियल बनाया गया था चंद्रकांता नाम से ही, जो कि ब्लॉकबस्टर सीरियल था, ठीक है, 1888 में ये नॉवल लिखा गया था, किसके द्वारा, देवकीनंदन खत्री जी द्वारा। आगे चलते हैं, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, लोअर मोस्ट लेयर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक हमें सॉइल की पूरी लेयर पता होनी चाहिए, यहाँ पे सारी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर जो होता है ये होता है हमारा जीरो होराइजन, ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है उसके नीचे ही, ये ऊपर वाला जो लेयर होता है इसे ऑर्गेनिक लेयर भी कह देते हैं, इसके अंदर ह्यूमस होती है और ये नीचे जाती रहती है, वो खत्म होती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है ए होराइजन, फिर हमारा आ जाता है ई होराइजन, फिर हमारा बी, फिर सी, और फिर लास्ट में आता है हमारा आर, ठीक है, ये आर होराइजन है, ये इनके साइंटिफिक नेम हो जाते हैं ए ई बी सी आर, और लास्ट वाले को कहा जाता है बेडरॉक, लास्ट वाले को क्या कहा जाता है, बेडरॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो 2 है, लोअर मोस्ट है ना, ये इसका दूसरा नाम भी क्या है, आर होराइजन है, ठीक है।
माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। मुझे लगता है कि जो चार्जिंग केबल है वो हिल गई थी। अभी बिल्कुल सब सही चल रहा होगा, उम्मीद यही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आर होराइजन, यहाँ पे क्या होता है, हमारा बेडरॉक होता है और ये लोअर मोस्ट हमारा सॉइल की लेयर होती है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, बेडरॉक योर या फिर आर होराइजन। आगे चलते हैं, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जब क्वेश्चन आया ना, तो मुझे पता था कि अभी कौन है, योशीहिदे सुगा है। अभी कौन है, योशीहिदे सुगा है। शिंजियो आबे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते थे जापान के, उनकी तबीयत खराब हो गई थी पिछले साल। उन्होंने फिर क्या कहा, अपना जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दिया और उनके सक्सेसर बने थे योशीहिदे सुगा। ठीक है, अब हुआ क्या, आज के ही दिन वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करे गए। वहाँ पे आज के ही दिन, आज यस करंट, उनके नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, फुमियो किशिदा। यस, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा, क्योंकि अगर आज से पहले ये क्वेश्चन ले लिया होता तो योशीहिदे सुगा करेक्ट हो जाता, बट आज के बाद ये कभी भी क्वेश्चन बनेगा, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा ये हम वहाँ पे जापान के कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट है जापान के बारे में, वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स योशीहिदे सुगा के अंडर हुए हैं और वहाँ पे, बट अब यहाँ पे उन्होंने एक साल का कार्यकाल के बाद सुगा साहब ने वहाँ पे अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इन विच टाउन डिड म्यूटनी ऑफ 1857 बिगन। 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ था, बच्चे बच्चे को पता है कि मेरठ में ये शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति कौन नहीं जानता, एक छोटी सी चिंगारी उजली थी भारत में, जिसे कहा जाता है हमारे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम। किसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, मेरठ में शुरुआत हुई थी इस विद्रोह की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वॉज गार्जियन ऑफ मुगल किंग अकबर। अकबर द महान के नाम से जिनको हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, कितने महान थे कितने नहीं वो तो इतिहास में ही पता है, जो बहुत ज़्यादा डीपली इतिहास पढ़ते हैं उनको ही थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बाकी जो हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती है, कई बार डाउट भी होता है क्या हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है, क्या वो सही भी है या नहीं, क्योंकि जो जीतता है उसके हिसाब से हिस्ट्री बनती है, फिर वो कुछ भी लिखवाया हो उसने। ठीक है, बात यहाँ पे थोड़ी सी हट गई थी हमारे, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो मुगल किंग अकबर के गार्जियन कौन थे, मुगल किंग अकबर के गार्जियन थे बैरम खां। ठीक है, बैरम खां या फिर खा, KHA, बैरम खां या फिर बैरम खान, ये इस नाम से जाने जाते हैं बैरम खान, इनके गार्जियन थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इन्होंने, जब अकबर बहुत छोटे थे, प्रिंस अकबर थे उस टाइम पे, हुमायूं की जो डेथ हो गई थी, तो बैरम खान ने क्या कहा था, वहाँ पे एक उनके क्लर्क होते थे, यानी कि कोई उनके व्यक्ति होंगे, क्लर्क लेवल पोस्ट के जो व्यक्ति होते थे, उनको उन्होंने हुमायूं के कपड़े, उनकी शक्ल उनसे हुमायूं से मिलती थी, तो हुमायूं के कपड़े वगैरह पहना के उन्हें दिल्ली के दरबार में ऐसी, मतलब जो उनका जगह था जहाँ पे वो रोज़ आया करते थे हुमायूं, तो वहाँ पे उनको पूरा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिए कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और दुनिया को यही दिखाते रहे कि हुमायूं जिंदा है, क्योंकि उस टाइम पे अकबर की उम्र बहुत छोटी थी और अकबर को एकदम से ही वहाँ पे राजा बनाना उचित नहीं समझा। बैरम खान ने अकबर को फिर ट्रेनिंग की, अपना संरक्ष उसके अपने अंडर रखा, और फिर अकबर को फिर थोड़े दिनों बाद हुमायूं का जो सच दुनिया के सामने उजागर करा और अकबर को वहाँ पे क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। ठीक है, अकबर ने इन्हें खान ए खनन, ठीक है, खान ए खनन, खान ए खनन की उपाधि दी थी किसको, बैरम खां को अकबर ने, जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा, खान ए खनन। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स की आगमन की सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ प्लासी, आगमन के टाइम पर जो लड़ाई थी, स्टार्टिंग की जो लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी की थी। ठीक है, तो ये किसके अंडर हुई थी, ब्रिटिशर्स
वर्सेस सिराज उद दौला, सिराज उद दौला जो लास्ट नवाब थे बंगाल के, नवाब ऑफ बंगाल थे। और यहां पे रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराज उद दौला प्लस इनके जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच, इनकी जो पार्टनरशिप थी फ्रेंच के साथ, इनकी लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासी की, प्लासी में। तो वहां पे ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी सिराज उद दौला से, और सिराज उद दौला यहाँ पे हार गए थे और ब्रिटिशर्स का आगमन हो गया था बंगाल में। बंगाल में सिराज उद दौला की हार के बाद ब्रिटिशर्स आए थे और धीरे धीरे करके पूरे देश में छा गए थे ब्रिटिशर्स। आगे चलते हैं, श्योक एंड गिलगिट आर टेरिटरीज ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, श्योक और गिलगिट किस, गिलगिट बलिस्तान आप लोगों को पता ही है कहाँ पे हमारा टॉप मोस्ट ऊपर बनता है, तो वहाँ पे गंगा भी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी या फिर इंदस नदी है, ये थोड़ा सा आप गैस वर्क भी कर सकते हो बट याद भी रखना। श्योक और गिलगिट जो नदी है, श्योक, ये श्योक क्या है आपको समझ में आ रहा है, श्योक हिंदी में अगर थोड़ा सा देखें तो श्योक यानी कि ये इस नदी को बोला जाता है, रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो श्योक जो नदी है और गिलगिट ये किसकी है, सिंधु नदी की जो है, क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, इन विच ईयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में पारित करा गया था, कब पारित करा गया था, 2008। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, भारत में अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में ये पास करा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, एक एसिडिक होता है, एक हमारा बेसिक होता है, एक अम्ल होता है हमारा अम्ल, और दूसरा हमारा होता है आई गेस उसे क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं उसे क्या कहते हैं, तो एसिडिक और बेसिक, ठीक है, एसिडिक और बेसिक, जिसे बेसिक सॉल्यूशन को एल्केलाइन भी कहा जाता है। तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो शुरू हो जाती है हमारी 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू रहती है, और बीच में ये जो 7 है इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, 7 होता है। लेस देन 7 एसिडिक होता है, मोर देन 7 बेसिक होता है, ठीक है, एल्केलाइन होता है। लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक होता है, 0 से 6 पीएच वैल्यू एसिडिक, 8 से 14 पीएच वैल्यू बेसिक होती है। विच कंपनी हैज बिल्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरप्लेन नेम्ड रॉक, स्टार्टो लॉन्च नामक एक एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने रॉक नामक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाया, ये अमेरिकन कंपनी है, और ये रॉक एक जाइंट बर्ड, बहुत विशाल बर्ड जो अरेबियन और पर्शियन मिथोलॉजीज पे में सुनी और सुनाई जाती है, उसमें एक रॉक नामक एक बहुत बड़ी जाइंट पक्षी होती है जिसके नाम पे स्टार्टो लॉन्च ने एक दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन का नाम रखा है। आगे चलते हैं 58वें क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने 1950 से लेकर 1958 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यवाही अपनी काम करा इन्होंने। और आपका काम क्या है यहाँ पे, कमेंट करके बताना है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है, कमेंट करके अभी बताएंगे आप। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी जो चाइना की है उसका नाम क्या है, स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, चाइनीज स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है चाइना की स्पेस एजेंसी। इंडिया की आप लोगों को पता ही है क्या है, इसरो है, यूएसए की,
इंडिया की क्या है, इसरो है, यूएसए की क्या है, नासा है, अब यहाँ पे पाकिस्तान की क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ रशिया की क्या है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। जापान की मैं बता देता हूँ आप लोगों को, JAXA, जैक्सा, जापान की क्या है, JAXA, ठीक है। पाकिस्तान और रशिया की स्पेस एजेंसी है, उनका नाम कमेंट करके बताएं। पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रशिया की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्च कैपेसिटी भी होनी चाहिए स्पेस एजेंसी के पास। ऐसे तो दुनिया के हर देश अपनी अपनी स्पेस एजेंसी बनाए बैठे हैं, बट जो लॉन्च कैपेसिटी है वो कुछ ही देशों के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, हु वॉज द विनर ऑफ US ओपन 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये टेनिस की फील्ड में। देखो सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिकेट से पूछे जाते हैं, और दूसरा मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में वो टेनिस का पूछा जाता है। तो 2021 के US ओपन, देखो टेनिस में आप लोगों को ये चीज़ एक छोटी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हिस्ट्री का थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चार मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। पहला शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, दूसरा फिर फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद जाते हैं विंबलडन पे, फिर साल का एंड आते आते ये जो होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ये चार मेजर टूर्नामेंट है। 2021 में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फ्रेंच ओपन जीता, विंबलडन ओपन जीता, ये तीनों ही जो ग्रैंड स्लैम थे जीतने वाले कौन थे, नोवाक जोकोविच। और उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो यूएस ओपन भी जीतेंगे, यूएस ओपन जीतते तो वो चारों जीतने वाले ग्रैंड स्लैम विनर बन जाते और ये स्लैम ईयर उनका हो जाता, गोल्डन स्लैम हो जाता चारों। ये गोल्डन स्लैम, तो खैर गोल्डन स्लैम किसे कहा जाता है कि जिस साल में ओलंपिक्स भी करवाया जाए, जिस साल में ओलंपिक्स भी और वहां पे वो गोल्ड मेडल जीत जाए तो उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। कि भाई चारों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम और साथ में ओलंपिक्स का गोल्ड भी, इससे ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं हो सकता। तो पहले तो ओलंपिक्स में भी वो फाइनल में नोवाक जोकोविच नहीं पहुंच पाए, ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए तो ग्रैंड स्लैम गोल्डन स्लैम तो नहीं कर पाए, बट यूएस ओपन के वो फाइनल में पहुंचे, बट वहां पे डैनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता। तो डैनियल मेदवेदेव ऑप्शन नंबर 1 ग्रैंड स्लैम विनर US ओपन 2021। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर हाईलाइट रही थी। डैनियल मेदवेदेव का ये पहला अपना ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप थी जो इन्होंने जीती, तो डैनियल मेदवेदेव यहाँ पे US ओपन 2021 के चैंपियन रहे। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन करी होगी आप लोगों ने, सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई भी एरर रहा हो, कुछ भी बात हो, तो अपने कमेंट सुझाव सजेशन प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करना। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मांग लेना PDF, और ऐसे ही अपनी तैयारी रेगुलर करते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद सभी का टाइम देने के लिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बहुत बहुत आप लोगों को मेहनत करनी है तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो सिलेक्शन में कोताही नहीं, हमारी तरफ से एफर्ट में भी कोताही नहीं रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।